So, good morning. Welcome to the session. Hello, everyone. Very good morning. Today is 17th of December, and we are here with the current affairs class. So, पहले बताइए आवाज आ रही है? वो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? The voice is clear. The video is clear. Everything is fine. Yes. Everything is fine. Okay. So let's begin the session. आप सभी को आवाज आ रही है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो और बताइए कैसा रहा आपका ऑफ दिसंबर? हाउ वाज योर 16th ऑफ दिसंबर? वाज इट फाइन? हैव यू डन सम होमवर्क? और ये जो पूरा वीक है, तो हमारा 12 तारीख से मंडे शुरू हुआ, ठीक है, 12 तारीख से जो मंडे शुरू हुआ, और अभी तक क्या आपने सारी चीजें रिवाइज की है? एवरीथिंग हैज बीन रिवाइज्ड? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो एक एक करके अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि अभी तक इस वीक के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं, कौन कौन से दिन रहे हैं, तो 12 तारीख से फ्रॉम 12th टू टुडे दैट इज 17, सारे करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग प्लीज सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स ओवर हियर। हम आज यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं 12 तारीख से लेकर 12 से लेकर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि देखिए, बैच लॉन्च हो चुका है और ये नॉन टेक का बैच है। तो नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? आपको पता है कि आपने बीटेक किया हुआ होगा या डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से। यहाँ पे नॉन टेक के पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसमें जीके आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, आ जाएगा, ये सारे पोर्शंस को कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना? ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से एक और बैच हमारे पास है, जो कि है CAPF का, FCAT का, CDS का, ये सारे बैचेस भी हैं हमारे पास। और अगर आप डिफेंस का महापैक लेते हैं, तो आपके पास FCAT, CDS, CAPF ये सारे बैचेस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। तो डिफेंस के महापैक में FCAT, CDS सब कुछ है, साथ ही साथ अग्नि और बाकी जो आपके सेंट्रल आर्म फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हो गया आपका BSF या फिर BSF, ITB और इस तरह के जितने बैचेस होते हैं, सारे बैचेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। SSC JEE का जो फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और आपको इंजीनियरिंग के महापैक में, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, ये सारे बैचेस भी। तो नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों को डिस्कस करने, तो लेट्स गो फॉर इट। मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है सब? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाह को NDD यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया, ये बात आपको पता है। तो बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए और थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए, बाद हम लोग इसको हाँ रिवीजन होता है बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? मनीष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि TTFI टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इसको आपको बताने जल्दी से कमेंट सेक्शन। ऋचा घोष है, अंजुम मऊ है, मेघना अलावात है या सोपिया से? क्वेश्चन आंसर है बस। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं मेघना अहलावत। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि MD एंड CEO कौन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मंडे के सारे क्वेश्चन और पूरे वीक के सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इत्ता देविस हैं, इत्ता देविस के MD के MD एंड CEO बनी है
स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, तो लेट मी टेल यू दैट इट इज अ रिविजन सेशन है, तो पूरे वीक का हम रिविजन कर रहे हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन इन डिटेल्स। हम लोग क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बस रिविजन कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ये है सुष्मिता शुक्ला, ठीक है, सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोट्री बैन। पोट्री बैन एक अमेरिकन फर्नीचर कंपनी है और ये अपना दुकान अब इंडिया में भी खोलने वाली है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, बहुत बढ़िया। भारत राष्ट्रीय समिति, तो बेसिकली इसका नाम था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, और अब तेलंगाना हटाकर इसकी जगह भारत राष्ट्रीय समिति इसका नाम रखा गया है। आपको बताना है भारत राष्ट्रीय समिति किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किसने किया, के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया है, इसको आप याद रखेंगे। पहले ये पार्टी बनी थी तेलंगाना फॉर्मेशन, 2014 में जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हो गया तो अब ये पार्टी बन गई भारत राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट है, क्या आपको पता है कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है, चार से अधिक पार्टी में अगर उस स्टेट में अगर उसको स्टेट पार्टी माना जाए, या फिर लास्ट असेंबली इलेक्शन में और या लास्ट लोकसभा में पार्टी ने सीटें जीती करीबन कितनी परसेंट, तो वोट शेयरिंग है इनका 6%, या लोकसभा में उनके पास 2% है, तीन या तीन से अधिक राज्यों में तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। तो नेशनल पार्टी के लिए मैं आपसे पूछ, हमारे पास ऑलरेडी 8 नेशनल पार्टी है, अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बनने वाला है, आम आदमी पार्टी 9वां नेशनल पार्टी बन, है ना। और इस साल तो मतलब इस 10 साल में 2011 से लेकर 2022 तक कितने भारतीयों ने अपना सिटीजनशिप छोड़ा है, तो 16 लाख लोगों ने। 24 आवर्स अल्ट्रा मैराथन ये ताइवान में हुआ भारत की तरफ से, भारत की तरफ से किसने इस अल्ट्रा मैराथन को अभी रिप्रेजेंट किया है, भारत से रिप्रेजेंट किया है। गाइस वॉइस इज क्लियर ना, आवाज क्लियर है, कह रहे हैं आवाज थोड़ी, क्या हुआ वॉइस में, ये तो ये अमर सिंह देवानंद हैं, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस डॉलर 780 लोन दिया गया है चेन्नई मेट्रो रेल के लिए, किस बैंक ने इसको लोन दिया, एडीबी ने लोन दिया। यूएस डॉलर 250 मिलियन का लोन दिया गया है लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है कि मान लीजिए एक जगह कहीं पे बन रहा है तो उसको ट्रैवल करने में और जहां पे पहुंचना है, जैसे इंडस्ट्रीज में बनता है और लोगों तक इसको पहुंचना है टू द पीपल, तो इसमें जो ट्रैवलिंग का खर्च आता है उसको लॉजिस्टिक सेक्टर कहते हैं। तो भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एडीबी बैंक ने इसके लोन दिया है। अगला आप देखेंगे, तो इस इमेज को आप देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जस्ट सी द इमेज। क्वेश्चन ये है कि रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को अभी एक्सटेंड किया गया है, इस तरह से सब घरों में इस तरह से रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम बनेगा ताकि जितने सोलर एनर्जी है उसको कंजर्व किया जा सके, तो ये कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है गाइस, इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी कमीशन, यहाँ पे आप देख सकते, कर्मचारी यानी कि जो लोग भी काम करते हैं सफाई का काम करते हैं, एक बिल पास किया गया है, बिल क्रिएट किया गया। आपको पता है कि बिल कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर बाई कैमरल हाउस है, बाई कैमरल हाउस का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी लोग मतलब MLAs भी होते हैं, MLC भी होता है यानी कि विधानसभा भी होता है
और विधान परिषद भी होता है तो उसको बाई कैमरल कहते हैं। हमारा सेंटर जो है वो बाई कैमरल है, सेंटर बाई कैमरल है। इसका क्या मतलब है? सेंटर के पास लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लेकिन छह स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट्स क्या है? यूनी कैमरल है। कैमरल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। तो कोई भी प्रस्तावना जो है वो शुरू होगी, कोई भी बिल शुरू होगा, तो बिल पहले जाएगा विधानसभा में, फिर बिल जो है विधानसभा से पास होगा और विधानसभा के बाद गवर्नर इस पे साइन करेंगे। ये बिल क्या बन जाएगा? ये बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बाई कैमरल में क्या होता है कि ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो, हाउस नंबर वन से या हाउस नंबर टू, हाउस नंबर वन या टू, ये बिल दोनों हाउसेस में पास होगा। पहले इसमें पास होगा, फिर इसमें पास होगा और फिर प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे अगर सेंटर की बात है, और अगर ये स्टेट की बात है तो इसको गवर्नर साइन करेंगे, है ना। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर मनी बिल में उतना ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है, इनको पास कर दिया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वीटो का पावर नहीं है प्रेसिडेंट, और मनी बिल में राज्यसभा को कोई ज़्यादा पावर नहीं। ये बिल पास होते हैं, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और ये एक्ट बन जाता है। तो ये असम ने अभी क्या किया है? कर्मचारी कमीशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। ठीक है, है ना, ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सीइंग ऑल योर आंसर्स, आई एम सीइंग सबका रिप्लाई मैं देख रही हूँ। सुजीत है, गगन है, बबीता है, प्रवीण है, आर्यन है, और बहुत सारे बच्चे आज नहीं, तो क्या रीजन है? हाँ, कल क्लास नहीं हुई है। पूर्णा है, यश है, हिमांशु है, नम है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं तो है लद्दाख, यू लद्दाख में शुरू हुआ है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हैज इंक्रीज हाउ मच परसेंट सीन अर्बन एंड अर्बन सेक्टर। तो यूपीआई से बहुत लोग पहले यूज करते थे, अब बहुत सारे लोग यूज करने लगे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना परसेंट बढ़ चुका है? 650% यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज का है, ये आप देख चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर डिजिटल और यूपीआई के बीच में डिफरेंस है जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। फीमेल अंपायर शुरू हो चुके हैं, तो कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट का है, और फर्स्ट टाइम क्रिकेट हिस्ट्री में मेन का मैच है, लेकिन अंपायर ऑफिशिएट भी कहते हैं इनको, और ये आपका रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में फीमेल अंपायर स्टार्ट हो चुकी है, ये इमेज आप देख लीजिए, क्वेश्चन इससे है। बढ़िया, तो देखिए यूनिवर्सल कवरेज डे UHC कहाँ पे मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, माउंटेन डे आप बताएंगे कब मनाया जाता है? पर्वत दिवस। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11th of December को मनाया जाता है। इस बार का थीम है विमेन मूव माउंटेन्स, तो विमेन मूव माउंटेन्स पर का थीम है। 2003 एस्टैब्लिश किया गया था इस डे को ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके माउंटेन्स का। आपको पता है कि माउंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इमेज आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, इमेज को देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंड आई विल से एवरीवन टू लाइक द सेशन, और जितने बच्चे आज हैं नहीं उनको बताओ यार करंट अफेयर्स कंटिन्यू। नेक्स्ट ये इमेज आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो चुका है, रिविजन चल रहा है, सैटरडेज फॉर रिविजन। इमेजेस आप देख सकते हैं, वैसे आप इसको प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्पेशल तो फॉर एफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग। मिडिल इनकम हाउसिंग ये एक फंड शुरू हुआ है ताकि जितने तो हैं जिनके हस्बैंड नहीं घर दिया जा सके। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लैगशिप जेंडर टूल और पावरफुल विमेन, क्या का रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ पे आप एथलीट का नाम देख सकते हैं, मैक लाफिंग लेवरॉन है ये फीमेल है, और मोंडो प्लांटिस ये मेल है, दोनों को एथलीट मतलब 2022 का वर्ल्ड एथलीट अवार्ड मिला है। 1000 खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया सेंटर्स बनने वाले हैं,
केसीआर भारत राष्ट्रीय पार्टी अनाउंस कर चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर वैल्यूएबल कंपनीज का लिस्ट निकलेगा, ठीक है, 500 कंपनीज का लिस्ट निकलेगा हुरॉन ग्लोबल के अकॉर्डिंग, तो आपने बताना है भारत का रैंक क्या है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वैल्यूएबल कंपनी। तो भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक देखिए यहाँ पे इज वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया की दुनिया भर में, और भारत का रैंक है पांचवा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे बना है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है, वॉइस इज क्लियर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। केरला में कार्बन न्यूट्रल फार्म बना है, मोपा एयरपोर्ट शुरू हुआ है, मोपा एयरपोर्ट सेकेंड एयरपोर्ट है, ठीक है, पणजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, और मोपा जो है सेकेंड एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, प्रधानमंत्री मोदी को इनोग्रेट किया है। या लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल हैज बीन कमीशन, तो ये जेट टर्मिनल कहाँ पे कमीशन किया गया है, ये भी केरला में ही किया गया है। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, पिन्ना रई विजयन, और इन्होंने भारत का पहला और सबसे बड़ा बिगेस्ट चार्टर गेटवे को अभी लॉन्च किया है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा, और ये जेट एयरवेज केरला में है, जेट टर्मिनल केरला में। क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के चीफ का नाम क्या है, ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सुखविंदर सिंह सुक्खू इनका नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले कौन थे, इनके पहले थे जय राम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने 2013 से लेकर ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट इन 2013 लेकर 2019 तक, और उसके बाद फिर से ये पोथ लिए। चलिए नेक्स्ट, लेजेंडरी मराठी लवानी सिंगर हैं सुलोचना चौहान, सुलोचना चौहान जी का निधन हो चुका है, इनको और किस नाम से जाना जाता है ये आप बताएंगे, सुलोचना चौहान को और किस नाम से जाना जाता है। हाँ वेरी गुड, हाँ जी, को जाना जाता है सुलोचना चौहान को, मुंबई में इनका निधन हो गया, और लवानी समद्रादनी, द्रादनी के क्वीन ऑफ लवानी, लवानी डांस है नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे। ओके नेक्स्ट आप देखें, चेनू अग्रवाल, चेनू अग्रवाल को एमडीएन को बनाया गया है, चेनू अग्रवाल को एमडीएनसीओ किस कंपनी के लिए बनाया गया है, अशोक लेलैंड के लिए बनाया गया है। बहुत बढ़िया, अशोक लेलैंड, और ये फ्लैगशिप कंपनी है ग्रुप की, और भारत की कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये शेनू अग्रवाल को यहाँ पे एमडी। एसएनपी प्लैट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो एसएनपी प्लैट्स कंपनी है और इसने ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, और आपको बताना है कि तो ये अवार्ड मिला है। गाइज जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है, इट इज जस्ट अ डिविजन क्लास। तो ये अवार्ड जो है ये गुरदीप सिंह को दिया गया है, एसएनपी पैट्स के द्वारा ये ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक्टर है जिनका नाम है देव जोशी, तो किसने चूज किया है कि ये इनको एक कंपनी करेंगे, साथ जाएंगे कहाँ, मून पे, तो किसने चूज किया है। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत आंसर दे, किसने चूज किया है, यासुका या युसाकु मिजावा ने, ठीक है, ये जापान के बिलियनेयर हैं और ये जा रहे हैं स्पेस एक्स प्राइवेट फ्लाइट से मून के ट्रिप, और देव जोशी ने, देव जोशी जो कि बालवीर के एक्टर भी रहे हैं, वो तो चूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज शुरू, तो मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया है, तो किसने इनोग्रेट किया है, दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन, किसको किसने इनोग्रेट किया है। वैसे आप लोगों को पता है ना कि एक अभी ऑफर चल रही है फ्रेंड्स पे,
इसके तहत आप कोई भी ऑफर लेते हैं, अगर कोई भी पैक लेते हैं, जैसे अगर आप अग्निवीर वायु का लेते हैं 965 रुपीज में है, या अग्निवीर SSR MR का लेते हैं तो 965 रुपीज आपको वो बैच मिल जाएगा। CISF का बैच 1494 रुपीज है, और अगर बाकी जैसे CDS या FCAT के आप बैच ले रहे हैं तो 1494 रुपीज आपको CDS और FCAT और BSF के बैचेस। एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप किसी भी पैक में इंटरेस्टेड हैं, आपको CDS FCAT या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y3, और ये लिमिटेड है, ये क्योंकि कल विजय दिवस था तो इसको अनाउंस किया गया था आपके लिए, बड़ा मौका, लेकिन ये आज किसी भी टाइम लैप्स, तो आप लोग जल्दी से जाके इस बैचेस में बोल कर सकते हैं। 1494 इज द हाईएस्ट प्राइस, इसके अंदर आपको सारे बैचेस मिलते हैं। तो मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये आप देख सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट हाउ मेनी प्रेग्नेंट वुमेन हैव कंप्रेसिव एनेटल केयर अंडर PMSMA, तो नेटल केयर के लिए वुमेन है यहाँ पे आप बताएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और गाइस सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है। तो ये है 3 करोड़ 60 लाख प्रेग्नेंट वेमेन, 3 करोड़ 60 लाख प्रेग्नेंट वेमेन। आम आदमी पार्टी कितनी नेशनल पार्टी बन चुकी है? आम आदमी पार्टी 9वीं नेशनल पार्टी बन चुकी है। साथ आपका 17 प्लस 13, 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्या आप मुझे क्वेश्चन कंप्लीट हो आज? क्या आज इतना वीक नहीं? प्लस थीटा कितना? तो आपने बताना है कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सही है। मैंने बोला 40, तो एक बोल रहे 40 में 40 आए। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, ऑल करेक्ट है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 1000 खेलो इंडिया सेंटर, तो आप बताएं 1000 खेलो इंडिया सेंटर भारत में। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका 2-3 गलत हुआ है, कोई बात नहीं। अभी ये नेक्स्ट जो हम राउंड बना रहे हैं, इसमें आप कोशिश आपके सारे क्वेश्चन। तो 1000 खेलो इंडिया गेम्स सेटअप होने वाला है भारत में अगले 15 अगस्त तक, ठीक है, अगले 15 अगस्त तक हो जाएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने सलाम आरती का नाम बदल दिया है, सलाम आरती का नाम क्या रखा गया है? सलाम आरती का नाम रख दिया गया है नमस्कारा आरती, नमस्कारा आरती नमस्कारा। तो बेसिकली ये सलाम आरती था, और ये स्टार्ट किया गया था टीपू सुल्तान द्वारा, जो कि राजा थे। तो सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली, ठीक है, और इनका कैपिटल था श्री रंगम पट्टनम, और श्री रंगम पट्टनम में का अपना डायनेस्टी था जो कि मैसूर डायनेस्टी था, और अंग्रेजों ने इन पर अटैक किया। और हुआ है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, अगर आप मराठा वॉर देखेंगे है ना, तो एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए हैं, और लास्ट में फिर 40 सब कंप्लीट कब हुआ इनका? तो 1899 तक ये वॉर चला था। और रूलिंग बीजेपी पार्टी जो कर्नाटका की है, उन्होंने कहा है कि ये जो स्टार्ट किया गया था सलाम आरती, अब इसका नाम बदलकर आरती नमस्कारा रख दिया जाए। डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा अवार्ड होता है डॉन अवार्ड, और आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये डॉन अवार्ड किसको मिला है? डॉन अवार्ड मिला है आशले बाटे को, आशले बाटे को मिला है, और ये ऑस्ट्रेलियाई हैं जिन्होंने इस साल 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया और 25 साल के एज में रिटायरमेंट ली। नेक्स्ट आप देखेंगे जापान ब्रिटेन और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जनरेशन फाइटर जेट 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाया है, क्या आप बताएंगे कमेंट सेक्शन गाइस? जापान ब्रिटेन और कौन सी कंट्री ने अभी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को बनाया है? तो बेसिकली टेम्पेस्ट नाम रखा गया है, यहाँ पे ब्रिटेन है, इटली है और जापान है, ठीक है, इटली देखेंगे। इंडस्ट्री डे 4th एडिशन मनाया जा रहा है, IIT दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया है इंडस्ट्री डे। डॉली यादव का आंसर आ रहा है, सना का आंसर आ रहा है, कुमारी मनीषा है, अविनेश अविनाश है, विवेक है, लोक मुद्रा है, मनश है, प्रशांत है, सूरज है, आर्यन है, बहुत बढ़िया। तो
तो ये इंडस्ट्री डे आपको मनाया जा रहा है कब? तो 10 दिसंबर को इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। नोबेल प्राइज डे भी मनाया जाता है, नोबेल प्राइज डे भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि ब्रिटिश थे और इंजीनियर थे, केमिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, तो इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजी या मेडिसिन आप कह सकते हैं, लिटरेचर और पीस में नोबेल प्राइज अनाउंस किया था 1901 में और 10 दिसंबर से जाने लगा। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है, अष्टांग मार्गिका पे जाना है। अष्टांग मार्गिका किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धा द्वारा दिया गया था, बुद्धा द्वारा दिया गया था। बुद्ध की ज्यादातर टीचिंग पे पाली लैंग्वेजेस में है तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको पता है कि बिहार, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा था? क्योंकि बुद्धिज्म जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग आए थे विजिट करने के और रुकते थे यहाँ पे, तो जहाँ रुका जाता है उसको विहार कहते हैं, है ना। जहाँ पे पूजा किया जाता है वहां पे उसको चैत्य कहते हैं। बहुत सारे पिलर्स भी बने थे, तो पिलर्स में आप देख लीजिए एक बार इसका कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि एक अबैकस होता है जो कि ट्राइंगल, स्क्वायर, किसी भी शेप का हो सकता है। एक कैपिटल होता है जो कि जनरली किसी जानवर को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एबैकस, जैसे कि लोटस शेप का एक एबैकस रहता है, और एक शाफ्ट होता है। तो बेसिकली ये आपका शाफ्ट है ना, ये आपका अबैकस है और ये आपका कैपिटल है। तो इस तरह के पिलर्स बनाए जाते थे, अशोकन पिलर्स काफी ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा अशोकन पिलर्स के बारे में। इसमें बहुत सारे भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर ये बॉर्डर में है, बॉर्डर पे बनाया गया है, तो अगर ये इंडिया और ग्रीस के बॉर्डर पे ही, तो अरमेइक भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं खरोष्टी का भी प्रयोग किया गया है, ज्यादातर इसमें पाली लैंग्वेजेस लिखा गया है। और ये किस चीज के लिए था? तो बुद्ध की को स्प्रेड करने के लिए। तो कैसे कैसे बुद्ध की टीचिंग स्प्रेड हुई? स्तूपा आपको पता है, स्तूपा बनाए गए, पिलर्स बनाए गए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको केव्स भी बनाए गए हैं, केव्स बनाए गए हैं। फिर बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें बनाई गई जिसके तहत टीचिंग को स्प्रेड किया। ये 12th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया जाता है। क्यों न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें? अष्टांग मार्गिका ये बुद्धा ने दिया, कल की क्लास नहीं हुई। अब देखेंगे आप डायबिटीज, तो फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं डायबिटीज के लिए? तो डायबिटीज फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, का नाम क्या है? का नाम है शेख हसीना। शेख हसीना जो है फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर है डायबिटीज। मोपा में, गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना है, लेकिन आपने बताना है मोदी जी ने तो इनॉग्रेट किया है, वो भी आपको पता है, लेकिन किसके नाम पे बना है? तो गोवा का जो एयरपोर्ट है ये किसके नाम पे रखा गया है एयरपोर्ट का नाम? तो किसके नाम पे? मनोहर पारिकर के नाम। बहुत बढ़िया। सिक्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये चलने वाली है कहाँ से कहाँ तक? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ तक? भारत अपना 13% जीडीपी का खर्च करता है लॉजिस्टिक पे, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम बहुत अच्छा इंडस्ट्री बना लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा इंडस्ट्री बना लेते हैं, बहुत सारा चीज इससे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और मार्केट थोड़ा दूर है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को पहुँचना है, तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी हमको पैसा खर्च करना पड़ता। वो पैसा अगर नहीं खर्च करना पड़ता, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर दें, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, है ना, तो वो पैसा जो है वो बाकी डेवलपमेंट में काम आएगा, जो कि हो पा रहा है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेकर नागपुर वंदे नागपुर तक, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, ये 6 वंदे भारत चली है। इंडिया फर्स्ट स्टेट लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज, तो आप बताएंगे? हाँ सही बात है, अभी तक भारत जो डेवलप कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है इन चीजों। तो अब बताएं कि क्लाइमेट चेंज जो है गाइस तमिलनाडु का, तब देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कौन सा स्टेट जो है ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है? ये मेघालय है, मेघालय जो है ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है। अगर आप ट्राइब सुनते हैं जैसे गारो, खासी, है ना, जैंतिया, तो ये ट्राइब्स कौन से ट्राइब्स हैं? ट्राइब्स तो बेसिकली ये तीनों ट्राइब्स मेघालय में है, और मेघालय में तीन पहाड़ी है, गारो, खासी और जैंतिया नाम की। इसमें से खासी पहाड़ी में आपका मानेश्वरम और चेरापुंजी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो भी आप याद रखेंगे। अपने स्टेट्स के जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए।
ट्राइब्स को अब हम बहुत सारे ट्राइब्स को पीस भी कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी कहा जाता है ट्राइब्स को, ताकि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो भारत में का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 8.6% पॉपुलेशन ट्राइब्स का है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट कहाँ पे मतलब कितना परसेंट है ट्राइब्स का, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो 1.3% ट्राइबल पॉपुलेशन है बिहार में, तो ये आप बता सकते हैं। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो भारत में आई विल रिक्वेस्ट यू, वक्त दिया जाता है तो आप एक मैप बनाइए इंडिया का, और उस मैप में आप भारत जितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, और अगर आप हो सके तो परसेंटेज दिखाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं तो बीच में आपको मध्य प्रदेश पता है, तो मध्य प्रदेश में है गोंड है के ट्राइब्स हैं, राजस्थान के ट्राइब्स आप दिखाइए, संथाल है जो कि झारखंड में। तो इस तरह से आपको इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन पता होना चाहिए। आगे जाकर अगर मैच द फॉलोइंग आ गया, जैसे गुज्जर ट्राइब है, गुज्जर ट्राइब जो है नॉर्थ इंडिया में, या जम्मू एंड कश्मीर में बकरीवाल है, बकरीवाल जो ऐसे चलाते हैं चढ़ाहा जिसको है ना। फिर कौन सा ओडान ट्राइब्स कहाँ पे, ओडान ट्राइब्स बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो वो बेसिकली ओडान ट्राइब्स और मुंडा ट्राइब्स के लिए काम किया था, बरसात करके उन्होंने अपना एक रिलीजन स्टार्ट किया था बिरसा मुंडा ने, है ना। तो इस तरह से आपको एक मैप से बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। तो डू मेक अ मैप ऑफ इंडिया इन विच विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब एंड डू सबमिट मी बाई टुमारो, बाई टुडे, बाई टुडे, अभी तो आज का दिन शुरू है ना। तो चले नेक्स्ट आप देखेंगे तो हाँ 2011 के सेंसस के आधार पे, 2011 के सेंसस के आधार पे ही बनाना है। बिल्कुल एमपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप, परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। मेन सिंगल टाइटल ये बैडमिंटन में है तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, ये बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, वर्ल्ड नंबर वन है। नेक्स्ट आप देखेंगे पैरा बैडमिंटन फीमेल का टाइटल किसका है WF के अकॉर्डिंग, तो ये मनीषा रामादास है, क्या कि यंग शटलर है और पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। वैसे पैरा बैडमिंटन के लिए लखनऊ में अब स्टेडियम भी खुल चुका है ना, तो लखनऊ में इसको खोल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनीषा दास ने 11 गोल्ड 5 ब्रॉन्ज मेडल ओवरऑल 2022 में जीता है, इसलिए BWF ने इनको फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सुपर परफॉर्मेंस के लिए बताया है। यस, नेक्स्ट आप देखें G20 फाइनेंस टास्क, G20 2023 चल रहा है, 2023 में आपको पता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस बार का थीम है, और भारत जो है इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। भारत ने प्रेसिडेंसी कहाँ से ली है तो इंडोनेशिया से ली है, इंडोनेशिया इसके पहले प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट यानी कि ये अल्फाबेटिकली करते रहता है, तो इस बार इंडिया जो है वो इसका प्रेसिडेंट बना है। और आपको पता है कि फाइनेंस ट्रैक हर जगह देखो अलग अलग मीटिंग, शेरपा की मीटिंग आपको पता था कि उदयपुर में हो रही है और इस बार फाइनेंस ट्रैक एजेंडा के लिए बेंगलुरु में ये मीटिंग चल रही है। वासुदेव कुटुंबका इस बार का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, याद रखेंगे ये आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25th SIES नेशनल एमिनेंस अवार्ड के बेसिकली मिला किसको है, ये एम वेंकैया नायडू जी को मिला है जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये अवार्ड मिला है ठीक है। पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी को मिला। आप देखें कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट पोजीशन मिला है, फर्स्ट प्राइज किसको मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट गाइस, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। वैसे सारे लोग सेशन को लाइक नहीं किए अभी तक, तो आप लोग सबको इस सेशन को एक बार लाइक कर दो है ना, और ताकि लाइक करने से एक फायदा होता है पता चल जाता है कि सेशन समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कुछ आ रहा है आप लोगों को। सीईओ कौन है पेंगुइन रैंडम हाउस के, तो ये जो बने हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, तो हम लोगों को नाम पता है निहार मालवीय इनका नाम है और ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको अभी सीईओ बनाया गया है। फिट एट एनी एज रहना, इसके लिए एक किताब लिखी गई, किताब लिखने वाले जो है 92 ईयर्स के हैं, नाम क्या है पी अय्यर के, रिटायर्ड एयर मार्शल है, इसलिए हम बोलते हैं कि डिफेंस का एक बार तैयारी कर लीजिए, डिफेंस का तैयारी करने से आप फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे तो ऑटोमेटिकली मेंटली फिट होंगे, ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा आएगा, इससे पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होगी है ना। अभी फॉर्म भी निकला है
तो आप भर दीजिए। 1st of December से एफ कैट का फॉर्म निकला हुआ है, 21st of December से आपका CDS का फॉर्म निकलेगा। CDS और एफ कैट जो है ये हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर, इसके ऊपर बहाली नहीं होती है। तो अगर आपको हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट बन के जाना है अपने डिफेंस सिस्टम में, चाहे एफ कैट के थ्रू आप एयरफोर्स में जाएंगे, CDS आप एयरफोर्स नेवी और मिलिट्री दोनों में जाएंगे, तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। राइट, फॉर्म का कॉस्ट भी बहुत कम होता है, लड़कियों के लिए तो फ्री। सुल्ताना मेमोयर किताब लिखी गई है किसी द्वारा, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन है अकरम, आप में से कोई स्पोर्ट्स भी खेलता हो तो उसके लिए भी डिफेंस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, है ना। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि हा तो हा कु तो गाली नहीं, तो ये कमर्शियल मून लैंडर है, कमर्शियल मून लैंडर है और आपने बताना है फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर, यानी कंट्री नहीं कर रही है, कर रहा है कोई कंपनी, तो ये कंपनी कौन सी है, कंपनीज का नाम है आई स्पेस। तो देखें आप लोग बहुत सारा कंपनी सुनते हैं, जैसे एक अंतरिक्ष अंतरिक्ष भारत का है, ठीक है, या फिर आप इसरो सुनते हैं, इसरो इंडिया का है, लेकिन तो प्राइवेट नहीं करना है, नासा जो है ये अमेरिका का है, ये सब आप सुन चुके हैं ना, और कॉस्मोस सुने हैं वो रशिया का है, तो उसी तरह आई स्पेस सुन लीजिए आपका जापान का है। हा कू तो आर इसने लॉन्च किया है, ये स्टैंडर्ड है। हाकुतो बोलते हैं कि पुराने जमाने में कहानियां होती थी तो व्हाइट रैबिट को कहते थे, और ये बोलते थे जापान के लोग कि व्हाइट रैबिट जो है वो चांद पे रहता है। व्हिच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट, अरब बिल्ड, तो पहली बार यूएई ने इसको किया है, राशिद रोवर इसका नाम है, राशिद रोवर वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई दुबई मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, इसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यूएई का है, और इसने अभी लॉन्च किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी बन चुके हैं फिर से, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के को बनाया गया है। सैनिटेशन वर्कर के द्वारा बताइएगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सैनिटेशन वर्कर प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो सैनिटेशन के लिए काम करते हैं ये स्टेट है आपका तमिलनाडु, सीएम है एम के स्टालिन, और इन्होंने इसको अनाउंस किया है, इसका नाम है सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी पास। चलें फूल पत्ती का नाम बताइएगा जल्दी से, तो बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है ये, तीनों हो जाएगा, ठीक है, पेलिटा सिरहोसा हटागेरिया तो नाम है, मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट आप देखें IND यानी कि इंडिया और INDO यानी इंडोनेशिया कॉर्पैट, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल पेट्रोलिंग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है कहाँ कितना संस्करण है इसका 39th है, अभी ये चल रहा है 8 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच, और ये 39th है। नेक्स्ट आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज दिलाते हैं, तो दत्ता जी जो हैं ये बने हैं, दीपांकर दत्ता इनका नाम है, ये पहले रह चुके हैं बॉम्बे के, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ मतलब जज बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं आपके चीफ जस्टिस हैं, और विथ हिज अपॉइंटमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट अब 20 जजेस हैं आउट ऑफ अ टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, टोटल होते हैं 30+1, 30 जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, अभी 20 यानी कि और अभी बनने वाले हैं टोटल, और ये नियरली 80 ईयर्स टेन्योर इन कोर्ट अंटिल हिज रिटायरमेंट, ठीक है, 8 ईयर टेन्योर इनका रहेगा, ये 2030 जब ये 65 साल के हो जाएंगे तो ये रिटायर करेंगे। राइट, नेक्स्ट आप देखेंगे 20th काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, तो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल का थीम क्या है, इसका थीम है सस्टेनेबल समिट्स, इसका थीम रखा गया है। राइट, नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपैंड किया है पीएम स्वनिधि स्कीम, तो पीएम स्वनिधि स्कीम को कब तक रखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, दिसंबर 2024 तक रखा गया है पीएम, तो इसरो ने टेस्ट किया है हॉट टेस्ट स्क्रैमजेट इंजन, कहाँ से टेस्ट किया गया है, तमिलनाडु से टेस्ट किया गया है, आप लोग जल्दी से स्पीड में आंसर बताइएगा गाइज, थोड़ा स्लो होते जाता है बीच बीच, तो व्हेनेवर आई एक्सप्लेन समथिंग यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड, दिस नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि
एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आएगा। आप ये नहीं समझ रहे कि ये जैसे करंट अफेयर्स है, मान लो ठीक है, टू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस विद विद सोशल मीडिया कंपनी। तो ये अभी चलो सोशल मीडिया तुम्हारा ट्विटर से है, ट्विटर ब्लू इसका नाम है ना। अब इसे क्या स्टैटिक पोर्शन आ सकता है वो आपको समझ जाए। जैसे मान लीजिए पूछा सिलिकॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे, सिलिकॉन में कौन सा मेटल यूज होता है, या कौन सा सेमी कंडक्टर यूज होता है, मेटलॉइड यूज होता है ना, तो कौन सा सेमी कंडक्टर यूज होता है, समझ लो। तो बेसिकली करंट अफेयर्स तो रहते ही है, लेकिन उसे जीके स्टैटिक पोर्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर 14 है, 284, लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में लास्ट में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, आता है साइंस का भी क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन, सिलिकॉन किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन जो है वो अपने ही टाइप के सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, और एक सिलिकॉन सिलिकॉन करके पूरा सा यहाँ पे ऐसे प्लेट बना देगा। अब उस प्लेट में आप डोपिंग करिएगा, यानी कि उसमें आप एल्यूमिनियम डालिएगा या फिर उसमें फॉस्फोरस डालिएगा, और डोपिंग करने के बाद ही उसमें काम किया जाता है। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है एडल्टरेशन, किसी भी प्योर चीज़ में कोई दूसरा केमिकल डालना। तो जैसे कि बहुत सारे प्लेयर भी डोपिंग करते हैं, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड गाइज, और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप डोपिंग नहीं करेंगे तो उसको इंसेंट्रिक कहते हैं, और डोपिंग कर देंगे तो एक्सेंट्रिक कहते हैं। उसी तरह के वॉल्केनो में क्या होता है कि वॉल्केनो में जब लावा जो है वो बाहर निकल जाता है तो वो एक्सेंट्रिक रॉक्स बनाता है, और अंदर ही रह जाता है तो वो इंसेंट्रिक रॉक्स बनाता है। इंसेंट्रिक रॉक्स में क्या होता है कि एक बड़ा सा प्लेट बना लिया तो वो बैथोलिथ कहलाएगा, लंबा लंबा इस तरह सा बना लिया तो वो डाइक्स कहलाएगा, इस तरह से लेटा लेटा बनाया तो सिल्ट कहलाएगा, ये हो गया फैकोलिथ, ये हो गया लैपोलिथ, ये हो गया लैकोलिथ। तो ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बी अवेयर एंड नॉलेज इज एवरीवेयर, तो जहाँ पे भी मिल रहा है सुनते जाओ, है ना। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट देखेंगे। शिशुपाल हिलॉक विल बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पाल कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। हाँ, इंट्रेंसिक एक्सक्लूसिव, बहुत बढ़िया, ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आप देखेंगे 24/7 मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट इन्फो हेल्पलाइन। तो ये कितना लैंग्वेजेस रहेगा इसमें, इसमें टोटल 12 लैंग्वेज रहेगा, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटली, पोर्तुगीज, अरेबिक, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ ये सारे लैंग्वेजेस। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसके, ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के, इनका नाम है सुनील, प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट। विच कंट्री प्रिंटर, पहला ऐसा नोट है ठीक है, $1 और $5, इसमें विमेन का सिग्नेचर, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा हमको लगा ये, तो आप याद रखेंगे कभी भी विमेन एम्पावरमेंट पर कुछ लिख टाइप की चीज़ों को भी लिखे, वो तो सबको पता है कि चलिए कनुईस को बनी हो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस टाइप के चीज़ें भी थोड़े अलग एग्जांपल्स, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर देखेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ग्रांट वहल, इनका निधन हुआ है, और ये अमेरिका के थे, और इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स को कवर किया है, और अभी ये फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है उसको भी कवर कर रहे थे, सॉकर जर्नलिस्ट हैं, और अब इनका निधन हो गया, ये अमेरिकन है। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है गाइस, तो यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको आपको पता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है, एनर्जी कंजर्वेशन आपका 14 दिसंबर को होता है, ठीक है। दीना बोलू आत्रे कहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, क्या बताइएगा, दीना बोलू आत्रे पेरू की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, दीना बोलू आत्रे, इसको आप याद रखेंगे। देखेंगे 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, इनका अभी हम आपको पिक्चर दिखाएं, आपको याद होगा क्या नाम है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में गाइज। एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, आर यू स्लीपिंग द क्लास, प्लीज स्ट्रेट द रीढ़ की हड्डी, शुड बी स्ट्रेट, द पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी बीमारियां अभी चल रही हैं। हाँ, तो मोंडू डुप्लांटिस इसका नाम है, इनका नाम है जो एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। कितनी विमेन है, अगर 100 मोस्ट पावरफुल विमेन का लिस्ट दिया जाए तो कितनी विमेन है 100 मोस्ट पावरफुल में, 6 हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन है, रोशनी नादर मल्होत्रा है,
वहां भी पूरी पूछ है, ये सेबी की अभी चेयरमैन है, सोमा मंडल है, मजुमदार शॉ है, फाल्गुनी संजय नायर इनका नाम है, नायका की फाउंडर है। प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, प्रवासी दिवस आपका इंदौर में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द ट्रेडिंग आवर्स। तो अभी तक 3 बजे तक ही होता था ट्रेडिंग, 9 बजे से तक, अब होगा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5 बजे तक आरबीआई ने ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एडन हजार्ड अनाउंस करते हैं अपना रिटायरमेंट। तो आपने बताना है किस टीम कैप्टन रह चुके हैं एडन हजार्ड। एडन हजार्ड बेल्जियम के कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, और 2022 में अभी ये बेल्जियम के कैप्टन थे, बेल्जियम आउट हो चुकी है, आपको पता है फाइनल जो है अर्जेंटीना और फ्रांस है। तो अब अगेंस्ट लग्जमबर्ग 2008 में भी ये अपना डेब्यू स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल। तो कैप्सूल बनाया गया है प्राइवेट स्पेस फर्म टू बिल्ड प्राइवेट स्पेस कैप्सूल। ये कैप्सूल व्योम स्पेस ने बनाया, ठीक है, व्योम स्पेस ने ये कैप्सूल बनाया है। कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल, कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज योर स्पीड इज वेरी स्लो, कोप अप। एफ ए ओ का मिलेट ऑफ द ईयर, ये भारत देखिए 41% मिलेट को प्रोड्यूस करता है, रोम इटली में हो रहा है ये। नेक्स्ट देखेंगे आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022, ये गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन कि ऑफिशिएट द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी इजी क्वेश्चन। जो भी हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो यानी कि ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। इनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट आप देखें ट्राइबल मिनिस्ट्री अबुआ तीन पोदमो, ठीक है, ये बताएंगे धरती अब्बा किसको कहा जाता है, ये धरती अब्बा ट्राइबल लोग किसको कहते हैं, ये बिरसा मुंडा को कहते हैं। और ये होदमो जो चल रहा है ये आपका झारखंड में चल रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। झारखंड में संथाल भाषा भी जाती है और संथाली भाषा को भारत के 22 लैंग्वेज के लिस्ट में जगह भी दी गई, संथाली के साथ साथ मैथिली को भी दी गई है। मैथिली बिहार में बोली जाती है, बोडो भी उसी साल आया था, बोडो असम में होता है और डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर में होता है। ये सारी भाषाओं को लिस्ट में डाला गया है, आप याद रखें। क्वेश्चन देखेंगे DGCI के ड्रग्स कंट्रोलर, इन्होंने कहा है कि इबोला का जो वैक्सीन है भारत भेजेगा कहाँ, युगांडा भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम एक्सरसाइज चल रहा है, संगम एक्सरसाइज जो है मार्कॉस में, वैसे आप फीमेल भी आएंगे है ना, तो गरुड और मार्कॉस ये दो हमारा जो स्पेशल फोर्सेज है, इसमें अब फीमेल की भी एंट्री शुरू हो गई है। मार्कोस के साथ साथ सील्स, यूएस नेवी का सील्स ये गोवा में चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे नबार्ड के सीईओ कौन है, तो जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन से आज का सेशन हम यहाँ पे, तो नबार्ड के सीईओ कौन है क्या बताइए, स्टार्ट किया था तो नाउ वी आर एंडिंग दिस है ना। जल्दी से आप इसका क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग योर रिस्पॉन्स। What will be the answer of this question? ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग शायद बहुत सारे बच्चों को आज पता नहीं था कि आज का सेशन होने वाला है, तो इट्स ओके आप लोग थोड़ा सा सेशन में टाइम पे आइएगा। अब देखिए अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ईजी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे पढ़ना है डिफेंस के लिए, आप बताती हैं कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है मुझे नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप जैसे adder247.com के वेबसाइट पे आए, आप क्या करेंगे, आप ऑल कोर्सेज में और डिफेंस पे जाए, डिफेंस में मान लीजिए आप CDS है ना, तो आज बहुत अच्छा मौका है CDS का प्रिपरेशन, तो आज आप इस बैच को ले सकते हैं क्योंकि बैच का प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये विजय दिवस के लिए किया गया था तो ये आज एंड कर जाएगा। ये 6499 के बैच है, अगर आप यहाँ पे कोड यूज बता देती हूँ Y3 और अप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो कोड है, ये जो कोड है इसको अप्लाई करते ही प्राइस ड्रॉप हो गया और 1494 रुपीज़ में आपको ये डिफेंस का CDS बैच मिल, फाइन, और उसी तरह डिफेंस का FCAT बैच भी आपको प्राइस में मिल, ये आप देख लीजिए। ऑप्शन तो बेस्ट हमेशा क्या होता है कि बेस्ट हमेशा यही होता है कि आप ले लें महापैक, देखिए मैंने ले ऑलरेडी परचेज लिखा हुआ है ना, तो आप 6 मंथ का या 12 मंथ का महापैक ले लें, और अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y3
तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, फाइन। ये डिफेंस के सारे बेंचेस हैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं। वन मोर थिंग आई सजेस्ट कि अगर आपको लगता है तैयारी चल रही है और अच्छी चल रही है तो आप एक बार प्राइम पैक लेके, क्योंकि अगर आपके पास महापैक है तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइम पैक में Y33S कोड यूज़ करते हैं टेस्ट सीरीज, तो 331 रुपीज़ में आपको टेस्ट पैक मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। ये 12 महीने का है, कि आप फ्री फॉर नाउ भी कर सकते हैं। फ्री फॉर नाउ में आपको BSF का मिल जाएगा और BSF का दोनों आपको मिल जाएगा, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा अपनी तैयारी को। उस तरह से इंजीनियरिंग में आप जैसे JEE की तैयारी कर रहे हैं, JEE में आप देखें जैसे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं Y और अप्लाई, बस 2874 रुपीज़ में आपको ये बैच भी मिल जाएगा, राइट। तरह से अगर आप, बेस्ट चीज़ क्या होता है, बेस्ट चीज़ हमेशा महापैक होता है, क्योंकि महापैक में आपको टेस्ट सीरीज बुक सब कुछ साथ में मिल जाए। जैसे सिविल में आपने मैकेनिक डिप्लोमा या बीटेक 6 महीने वाले में आप गए, देखिए मैंने परचेज किया महापैक, मैंने 6 महीने वाले में आप गए, कोड यूज़ किया आपने Y32 और आपको मैक्सिमम, दैट इज़ द थिंग। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एक बार टेस्ट तो ज़रूर बनाएंगे, Y33S कोड यूज़ टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट ज़रूर ज़रूर बनाएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू। टेस्ट बना, देखो एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तुमको नॉलेज इकट्ठा करके कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, राइट। एग्जाम देना है, एग्जाम में MCQ आते हैं और MCQ का प्रैक्टिस होगा तभी MCQ बनेंगे। यहाँ पे मैंने Y33SU यहाँ पे टेस्ट ले लिया है और टेस्ट जो है वो मुझे अच्छे कॉस्ट में ना, तो ये कॉस्ट मुझे 372। टेस्ट पैक तो ज़रूर बनाइए, और अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को सीरियस तैयारी करनी है, स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, अभी मेरे को ज़्यादा जानकारी है, तो CDS के बैच में आ जाइए, FCAT के बैच है उसमें आ जाइए। लग रहा है कि मैम मेरे को एक ज़्यादा की तैयारी करनी है तो आप महापैक में आ सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक कॉम्बो बैच दिखाया है, पता है इसमें क्या फ़ायदा है, वट आई वॉज गोइंग टू टेल यू। कॉम्बो बैच में आपको SSB की, बहुत सारे बच्चे देखो रिटर्न क्वालिफाई करना डिफेंस का काम नहीं है, बहुत लोगों ने क्वालिफाई, अब जैसे ये दोनों बैचेस जो हैं सिलेक्शन बैचेस, ये आपके रिटर्न के लिए इसी कॉस्ट पे, इसी कॉस्ट पे आपको कॉम्बो बैच मिल रहा है। हम कॉम्बो बैच लें, कर्नल सिरोही सर हमको SSB का तैयारी करवा देंगे, तो आप देख रहे हैं SSB की क्लासेस भी फर्स्ट टाइम हमारे तरफ से भी फर्स्ट टाइम Y3 कोड यूज हम क्या कर रहे हैं SSB बैचेस भी, तो रिटर्न तुम क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, 24-25-26 तारीख को आपका FCAT का एग्जाम है, आप रिटर्न क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद AFSB का क्या कीजिएगा वो भी तो देखना है, या फिर आप ये जो एग्ज़ाम है आपका 6 अप्रैल क्वालिफाई कर लीजिए, एंड के क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन SSB का क्या कीजिएगा, तो SSB के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, वो मत सोचिएगा अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो देख, वो तो नहीं, ये पर्सनैलिटी है, डोंट डेवलप इन 1 or 2 months, has to take time, so give it time, और आप तैयारी कीजिए, holistic approach से तैयारी कीजिए, कोई भी doubt होगा आप उनसे, कहीं कुछ पूछना है आपको तो मैं आपके सारे comments देख रही हूँ, want to discuss, answers सारे correct हैं, बहुत बढ़िया, अगर answers सारे correct हैं, अगर आपको कुछ और करना है, बोलना है, और batch के बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हैं, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, तो मिलते हैं हम लोग अब मंडे को, संडे को क्लासेस नहीं, तो मिलते हैं।